आपके लिए कर रहा हूँ टेक्निक इवॉल्व किया आपके लिए, मुझे पता लगा यहाँ की इंटेलेक्चुअल गैदरिंग है तो इंटेलेक्चुअल टेक्निक होना चाहिए एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, नेक्स्ट 45 डेज में ये टेक्निक होना चाहिए. फाइन, से फॉर एग्जांपल सबसे पहले बात करते हैं, तीन कैटेगरी करेंगे, ठीक है. सबसे पहले है रॉ मटेरियल. क्या होता है रॉ मटेरियल का फर्स्ट स्टेप, क्या होता है? तीन कैटेगरी में रॉ मटेरियल कौन कौन सा बताना. पहला सिर्फ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री के तीन पॉइंट रॉ मटेरियल. तो जो रॉ मटेरियल है ये है मेरा टोडो जो कर रहे हैं, चैप्टर मुझे कर रहे हैं, टॉपिक मुझे करना है. फाइन, नेक्स्ट दूसरा क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस होता है. रॉ मटेरियल इन्वेंटरी में पहला होता है आपका रॉ मटेरियल, दूसरा क्या होता है? वर्क इन प्रोग्रेस. तो ये इन प्रोग्रेस है आपका, वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इन्वेंटरी. इन्वेंटरी कॉन्सेप्ट है ठीक है, स्मार्ट डिवीजन टेक्निक. अब आपको ये पूरे पांचों सेंटर में हेल्प करेगा. स्मार्ट डिवीजन टेक्निक. और तीसरा क्या होता है? फिनिश गुड्स होते हैं. फिनिश गुड्स उसको है डन या कंप्लीटेड, जो आपको बिल्कुल अच्छे से हो गया. ठीक है जी. से फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क यू, लेट अस टेक द पार्टनरशिप. इफ आई आस्क यू, पार्टनरशिप में से पहला चैप्टर फंडामेंटल है. फाइन, इफ आई आस्क एनी वन ऑडियंस, एनी वन चाइल्ड हु फील्स, कोई भी एक ऐसा बच्चा खड़ा हो जाए हु फील्स कि अभी उसको प्रॉब्लम है, उसको ये नहीं पता कौन से चैप्टर क्लियर है कौन से नहीं है. एनी वन चाइल्ड यू कैन स्टैंड अप. आ जाओ, लाइव गेम खेलेंगे. ये वर्कशॉप बहुत कम होता है थियोरेटिकल, यहां मैं आपको एक्चुअल करके बताऊंगा. और ये घर जाके ध्यान से, घर जाके आपने ये अपना मेमोरी और स्मार्ट रिविजन बोर्ड बनाना है हर सब्जेक्ट के लिए. नाउ फंडामेंटल चैप्टर में देना चाहूंगा, आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में फंडामेंटल को प्लेस करना चाहोगे? इन प्रोग्रेस. तो ही हैज प्लेस दिस चैप्टर एट इन प्रोग्रेस. गॉट इट? व्हाट आई एम डूइंग, आई एम प्लेइंग विद द माइंड. विजुअल समझ पा रहे? ढोकला मंकी ये वो हो रहा है. विजुअल आपको दिखा रहा हूं क्योंकि अभी तक पता ही नहीं मेरे को कौन सा चैप्टर कौन से स्टेज पे. नेक्स्ट इज गुडविल. Beautiful. He is clear. Goodwill he has done. Goodwill ये कर चुका है. इसका मतलब goodwill इसको complete में आ गया. देखिए क्या हो रहा है. अब इसको confidence आता रहेगा. The topic which he has done means easy है. आराम से हो जाएगा. कोई दिक्कत नहीं है. मेरे को problem वाले area ढूंढने हैं. इसकी problem वाले area ढूंढने exercise चल रहे हैं. तीसरा admission chapter. कौन सी category में you will place? In progress. Great. Then retirement. Superb. Death. Superb. Dissolution. Progress. Great, great, great. आप बात समझ पा रहे हैं क्या किया इसने? इसने सिर्फ ये बताया कि कौन कौन से टॉपिक हैं. इसका मैं पूरा समरी कर दूं ताकि फिर उस पर हम डिस्कस करेंगे और फिर वहां आएंगे. हम बात करते हैं शेष चैप्टर्स का. Progress. Issue of debentures. Good. Redemption of debentures. Superb. Third book, chapter 1 and 2. Balance sheet, head and subhead and theory ka chapter. Great. Comparative. Superb. Ratios. Cash flow. Great, 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 great. अभी कैसा परफॉर्मेंस रहा? Like how much like did you get in the pre-board one? Pre-board one I got 25. Okay, it means what? जो major chapter है 25 reason आने का मतलब क्या था? See what he is saying is being reflected here. He is very honest. He is very honest. How come? जो reason था आने का, जो कम marks आने का, now he knows the reason. पहली बार to do pending कोई नहीं छोड़ा उसने. He has nothing pending with him. Everything is in progress or in finish state. Now, यहां का तो उसको strong हो गया ना. यहां जो area है fundamental, almost 7 marks का fundamental board में है. इस बार भी 6 या 7 का आया होगा pre-board में. 7, 6, 7. Admission again 8, 8, 7, 15. ये भी 6 के आसपास 21. Again 8 mark का तो आता ही 29. Cash flow 8 marks का 29, 30.
37 एंड रिडम्पशन 3 मार्क का 40. एग्जैक्टली 40 मार्क्स में इसको प्रॉब्लम है. ये सिर्फ 40 मार्क्स का करके आया था. ही गॉट जो भी मार्क्स इसके आए. फेयर इनफ. वेरी ऑनेस्ट. आई रियली एडमायर योर ऑनेस्टी. ग्रेट. एंड ही हैज वैलिडेटेड दिस प्रोसेस. ही हैज अप्रूव दिस मेथड ऑफ माइंड. व्हाट आई एम सेइंग अलाइव. मैं इसको जानता नहीं, बट ये लाइव टेस्ट हो गया कि ये मेरे प्रोसेस में दम है या नहीं है. क्योंकि इसके पहले मैंने रिसर्च किया. पहले ऐसे नहीं किया. पहले रिसर्च किया 10 बच्चों पे, 20 बच्चों पे, 50 बच्चों पे, 100 पे. फिर ये मैंने निकाला इन्वेंटरी स्मार्ट टेक्निक. यानी मुझे ये तो पता हो अब मेरे वीक एरिया कौन से हैं. गॉट इट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू. हो सकता है किसी बच्चे का फंडामेंटल यहां होता. हो सकता है ये टेक्निक यहां होती. कोई भी. अब इसने क्या करना है, इसने चैप्टर बाय चैप्टर इसको यहां लेके जाने. बिकॉज टू हैव टू मेनी थिंग हेयर इज अ रिस्की अफेयर. यहां रिस्की अफेयर. अभी बहुत डेंजर सिचुएशन में है. पहली बात तो इसको ये नहीं आज के बाद पता लग जाएगा. अभी तो यही नहीं पता था मेरी प्रॉब्लम क्या है. क्यों इसने कभी राइटिंग में लिखा ही नहीं मेरी कौन कौन सी चैप्टर वीक है. इसके माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में मुझे फंडामेंटल नहीं आता, मुझे एडमिशन नहीं आता, मैं शेयर करता हूं प्रोडक्ट. वो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में था. कभी इमेज नहीं बना पाई ना. पहली बार इमेज बनी तो रिकॉर्ड कर लेंगे. अब क्या करना है, इस पे से वर्क करेंगे. सबसे पहले हम इजी चैप्टर पे, किस पे. एंड वी विल सी द इनपुट आउटपुट रेशियो. ऐसा नहीं कि मेहनत कर रहे हैं. मैं कहूंगा फंडामेंटल सबसे लास्ट में करो. मैं एक ऐसा बंदा हूं जो कहता हूं फंडामेंटल सबसे लास्ट में करो. क्यों? जितना भी करके जाओगे, जितना भी करके जाओगे, हॉर्स आएगा और वो वहां पे थोड़ा सा अटकते हैं. एवरेज चाइल्ड, टॉपर, सब कुछ करके जाओ. बट एवरेज चाइल्ड को बोलूंगा अभी वो करो जो सीधा सीधा 2 घंटे में चैप्टर समझ आ जाए. 4 घंटे में तो बोलो सर कुछ भी क्वेश्चन करा लो, आई एम एबल टू डू. सो व्हाट आई विल वर्क अपॉन, मैं इस पर मेहनत करूंगा डिसलेशन चैप्टर पे. इसके साथ ऑन विच चैप्टर मैं इसका डिसलेशन खत्म करूंगा और डिसलेशन को लेकर आऊंगा यहां पर. पहले सबसे पहले ये डिसलेशन यहां आ जाएगा. विजुलाइज हो रहा, बर्डन कम हो रहा, बर्डन कम हो रहा है. देन मेरे साथ एडमिशन की प्रॉब्लम है. एडमिशन मुझे कैपिटलाइज़ नहीं आता, तो मैं इसको ये सिखाऊंगा कि तुम्हें कैपिटलाइज़ नहीं करनी. बोर्ड मैं बोलूंगा कैपिटलाइज़ इज नॉट इन कोर्स, इज नॉट इन. अंदर से कहेगा सर यस, क्योंकि 2 मार्क्स की कैपिटलाइज़ होती है. 6 मार्क्स हमारे हम नॉर्मली देते हैं, 5.5 और 6 देते हैं विदाउट कैपिटलाइज़. सब कुछ बना दो, सब कुछ कर दो, डोंट डू कैपिटलाइज़, यू विल लूज 2 मार्क्स. गॉट इट. मैं इसका डर निकाल रहा हूं कि तुम्हें कैपिटलाइज़ करनी नहीं है. मम्मी की कसम अगर तुम करके गए तो पड़ोस की मम्मी, तुम्हारी नहीं. ठीक है. Yes or no? तो means what? Means what? Yes, मजाक की बात है ये, मजाक. But he has to understand मेरा डर निकल रहा है. I am getting मेरा ये admission chapter सर ने बोल दिया capitalization नहीं करनी. और मजे की बात क्या है, board में करके आएगा capitalization. क्यों? दिमाग को जो मना करो मंकी मत देखो, मंकी देखता है. मैं मना कर रहा हूं capitalization नहीं है course में, नहीं करके जाना, और ये ego पे ले आएगा. मैं क्या इतना घेरा गुजरा हूं, कुछ बोलते हैं ऐसा बोलते हैं क्या, मैं इतना वो हूं गया गुजरा हूं बोलते हैं कि मैं नहीं कर सकता. गॉट इट. क्लैप फॉर हिम. थैंक यू. गुड. ध्यान से आना, ध्यान से. एनीवन जो जिसको ये प्रॉब्लम है प्लानिंग की, सब्जेक्ट को लेके, अकाउंटेंसी के चैप्टर को लेके कंफ्यूजन रहती है कितना आता कितना नहीं. एनीवन कम ऑन, कोई भी कह दो जिसको जल्दी से, क्योंकि मैं इस प्रोसेस पे जाने से पहले आपको ये बता रहा हूं करना क्या है अगले 60 डेज में हर सब्जेक्ट के साथ. ध्यान से या आप इनमें से कहां प्लेस करना चाहोगे हर चैप्टर को? कोई चैप्टर अभी आपका रॉ मटेरियल फॉर्म में है, या कोई वर्किंग प्रोग्रेस में है, या जो कंप्लीटेड है डन फिनिश गुड्स में? गुड. Very honest. Superb. With him, the topics like balance sheet analysis is just a matter of 2 hours. 2 hours में इसका ये डर निकल जाएगा, क्योंकि इसने बहुत सारा burden. He is having carrying the overwhelming burden on his shoulders. Overwhelming burden कि इतना रहता है, जबकि इतना डर वाली बात नहीं है. क्यों? ये 2 घंटे में हो गया खत्म. 2 घंटे में retirement, 2 hours में death, 1 hour में खत्म. ये 3 अभी हम होल्ड करके रखेंगे. और वैसे इशू डिवेंचर भी बहुत इजी हैं 2, बट होल्ड करके रख रहे हैं फिलहाल. यानी डर खत्म हो गया. हमें इस पे काम करना है. ये जो मेरा रेशियो है, वो मुझे रेशियो भी फॉर्मूले में आपको बताऊंगा आज कैसे याद करने है. वो यहां आएगा पहले. ये जो शेयर्स है इसका मतलब खतरे की घंटी है. बहुत ज्यादा टाइम मत लगाओ, जितना हो जाए ठीक है, वरना कोई बात नहीं भैया हाथ जोड़ दो, आप मेरे लाइफ में है ही नहीं.
आप मेरे लिए बने ही नहीं भाई, सारी हमारे हाथ की रेखाओं में था ना उसने चैप्टर, कुछ दूसरों के लिए भी छोड़ सकते हैं, बट जो मेरी स्ट्रेंथ है मैं इतना अच्छे से करूंगा इनको कि 60 मार्क्स तो लेके आऊंगा 80 में से पक्का, गॉट इट? और 20 हम आपको 18 19 मार्क्स दे देंगे, तो 78 80 मार्क्स बहुत डिसेंट होते हैं जो बच्चा भी स्ट्रगल कर रहा है। अभी कितने आए प्री बोर्ड में? बस तो बहुत अच्छा, 80 आएंगे तो खुश होंगे हम या दुख होगा? बहुत अच्छा लगेगा। तो ये मैं करना चाहता था, फील हैप्पी, आप अच्छे जोन में हैं, और ये इसको यहाँ लेके आना, बस इस पे उतना ध्यान देना जितना जरूरी है, 10 जो मैं मेन टू मेन मार्किंग बता रहा हूँ उतना ही करके आना, मेन टू मेन मार्किंग वाला, गॉट इट? क्लियर है? तो अभी अपना आप बना लेंगे, ग्रेट। सो हाउ डिड यू फाइंड दिस, हाउ डिड यू फाइंड दिस अमेजिंग टेक्निक? क्या कभी सोचा था आपने ऐसा पॉसिबल हो सकता है? बट प्रिपेयर योर ओन रिवीजन, स्मार्ट रिवीजन शेड्यूल फॉर मैथ्स, फॉर इकोनॉमिक्स, एवरीथिंग, ठीक है? और उसको आप छोटे स्टिकर ले लेना, समझते हैं, छोटे जो बुक्स में बुकमार्क लगाते हैं छोटे छोटे, वो स्टिकर लेके आप लगाते रहना, वो इजीली आपको हो जाएगा। तो अगले 45 डेज में ये करना आपने। गॉड ब्लेस यू।